भारी पड़ गई है। एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटर्स की ओर से तैयार रिपोर्ट के बाद रिजर्व बैंक ने पेटीएम पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक के मुताबिक रिपोर्ट से पेटीएम पेमेंट्स बैंक में लगातार नियमों की अनदेखी का पता चला है, इसलिए आगे की कार्रवाई की जरूरत है। चलिए आपको उन प्रतिबंधों की फहरिस्त और उनकी डेडलाइन की जानकारी दे देते हैं जो कि रिजर्व बैंक की ओर से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाई गई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि 11 मार्च 2022 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया गया था। इसके बाद विस्तृत सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और एक्सटर्नल ऑडिटर्स की रिपोर्ट से ये पता चला कि बैंक में लगातार नियमों के नहीं पालन करने से जुड़ी चिंताएं सामने आईं। इसके बाद रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 35A के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पेटीएम बैंक को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। आरबीआई ने पहले निर्देश में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप अप स्वीकार नहीं करने को कहा है। इस निर्देश का मतलब यह है कि 1 मार्च 2024 से पेटीएम अपने ग्राहकों को बैंकिंग, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड्स सर्विस नहीं दे पाएगा। हालांकि तब तक यानी 29 फरवरी 2024 तक पेटीएम के ग्राहक बचत खाते, चालू खाते, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड से या तो पैसे निकाल सकते हैं या फिर जमा पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 फरवरी के बाद दूसरी बैंकिंग सर्विस जैसे EPS, IMPS, BBPOU, UPI सुविधा नहीं प्रदान कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि 1 मार्च से पेटीएम EPS, BBPOU, UPI जैसी सुविधाएं अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं दे पाएगा। RBI ने यह भी निर्देश दिया है कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द किसी भी हालत में 29 फरवरी 2024 से पहले समाप्त करना चाहिए। जो आखिरी निर्देश RBI ने जारी किया है उसके मुताबिक सभी पाइपलाइन ट्रांजेक्शंस और नोडल खातों का निपटान 15 मार्च 2024 तक पूरा किया जाएगा और इस तारीख के बाद किसी और लेन देन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो लोग पेटीएम के वॉलेट सेविंग्स बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं उन पर उन फैसलों का क्या असर होगा ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे बड़ा असर ये होगा कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम फास्टैग सर्विस बंद हो जाएगी। यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी में पेटीएम का फास्टैग इस्तेमाल करते हैं तो 1 मार्च से ये किसी भी टोल प्लाजा पर काम नहीं करेगा। 29 फरवरी 2024 के बाद आप पेटीएम पर लोन नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये सर्विस 1 मार्च से बंद हो जाएगी। 29 फरवरी 2024 के बाद आप पेटीएम UPI का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको 1 मार्च से दूसरे गेटवे का इस्तेमाल करना होगा। 29 फरवरी 2024 के बाद आप किसी को पेटीएम गिफ्ट कार्ड नहीं भेज सकेंगे। पेटीएम ने अगस्त 2023 की एक फाइलिंग में ये जानकारी दी थी कि उनके औसत मंथली यूजर्स 9.3 करोड़ हो गए हैं। कंपनी का दावा है कि उनके पास 30 करोड़ से अधिक वॉलेट यूजर्स हैं। वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 3 करोड़ ग्राहकों ने बैंक खाता खोल रखा है। RBI की पाबंदियों का मतलब ये है कि 30 करोड़ पेटीएम यूजर्स पर सीधा इसका असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ज़ी न्यूज़।